पायलट का कद छोटा करने के बाद पूरे राजस्थान से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। पायलट समर्थकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल सिंह शेखावत का इस्तीफा हो गया है। दौसा जिले के पदाधिकारियों ने अपने पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो तमाम जो समर्थक हैं सचिन पायलट के वो इस्तीफा दे रहे हैं। ये जो माहौल है वो सचिन पायलट के साथ जाने का और अशोक गहलोत के खिलाफ जो लोग थे वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं सचिन पायलट के समर्थन में। सचिन पायलट के समर्थक खुलकर सड़कों पर भी उतरे हैं। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, आइए राजस्थान के जो संकट है, जो राजनीतिक संकट है कांग्रेस पार्टी का, उसकी टाइमलाइन आइए पूरी समझ लेते हैं। यहाँ बिग वॉल पर आपको बताते हैं कि क्या रहा है दरअसल मामला, किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से ये आगे बढ़ता गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सचिन पायलट के खत को इस तरह से छोटा कर दिया गया। 10 जुलाई को राजस्थान कांग्रेस में विवाद की शुरुआत हुई। 10 जुलाई को जानकारी आई, हालांकि जो अभी रामकृपाल जी कह रहे थे विवाद की शुरुआत तो जब शपथ ग्रहण हुआ था तभी से हो गई थी। SOG ने विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला दर्ज किया और कहा यह जा रहा है कि यह जो नोटिस दिया गया था SOG की तरफ से, इसी ने सचिन पायलट को और उनके समर्थकों को नाराज किया। 11 जुलाई को हॉर्स ट्रेडिंग मामले में SOG ने नोटिस भेजा था, हालांकि यह नोटिस अशोक गहलोत को भी भेजा गया था, लेकिन सचिन पायलट और उनके समर्थक इससे नाराज थे। SOG ने सचिन पायलट को बयान देने के लिए नोटिस भेजा था कि वो आए और बयान दें। इसके बाद 12 जुलाई को गहलोत पार्टी नेताओं से लगातार मिलते रहे, यानी अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने की कवायद को तेज कर दिया। इसके बाद कपिल सिब्बल के ट्वीट पर कांग्रेस आलाकमान हरकत में आए, ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस आलाकमान हरकत में आए। सभी लोगों ने बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया। दिल्ली से सुरजेवाला और अजय माकन को जयपुर भेजा गया ताकि हालात को नियंत्रित किया जा सके, जो स्थिति है उसके बारे में सही जानकारी मिल सके। लेकिन हालात शायद काबू से बाहर निकल चुके थे और उसके बाद सचिन पायलट को मनाने की तमाम जो कोशिशें थी वो किसी भी हाल में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद आज उन्हें उनके दो पद, जिस पर जो बड़े पद उनके पास थे, उन दोनों ही पदों से उन्हें हटा दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।